शोल्डर, हाथ ऊपर, हाथ हाइटन, हाथ डिटर्मिनेशन, स्वागत है आपका सीनियर टॉकर्स में। अभी हमने सीन देखा बुलेट का, क्या कुछ था, थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे मैम? मोनामी निकल पड़ी है एकेडमी से, वो करण से डिस्टेंस बनाना चाहती है और वो उसकी जो जद्दोजहद है उसके दिमाग में जो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि उसने उस करण को प्रपोज किया और उसके बाद उसका रिएक्शन, ये जानते हुए कि करण के मन में फीलिंग्स है क्योंकि मोनामी ने देखा है उसकी आंखों में, एंड देन और अब वो अपना प्यार इम्पोज नहीं करना चाहती, थोपना नहीं चाहती, बिकॉज मोनामी एक डॉक्टर है, शी इज़ उसके जो उसका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो भी हर्ट हुआ है कहीं ना कहीं। तो वो ऑब्वियसली प्यार में ऐसा होता है कि हम अक्सर थोप देते हैं अपना प्यार किसी पे, तो वो नहीं चाहती है और वो ना चाहते हुए भी जब भी करण के सामने आती है तो भले ही वो उसके सामने स्ट्रांग बनने की कोशिश करती है लेकिन कहीं ना कहीं वो वीक भी है अंदर से और वो टूट जाती है अंदर से और उसे छुपाने की कोशिश कर रही है लेकिन नहीं हो पा रहा है उससे। वो बहुत कोशिश कर रही है कॉन्सेंट्रेट करने की लेकिन वो नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से वो डिसाइड करती है कि वो करण से डिस्टेंस मेंटेन करेगी और वो निकल जाती है रास्ते में। और जी बात की जाए सीन की तो जो आपका सीन था थोड़ा इमोशनल था, हम लोग भी थोड़ा इमोशनल हो गए आपका आपको देखते हुए, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऑब्वियसली इमोशंस तो होंगे, इतने सारे इमोशंस होंगे मोनामी के मन में, वो अपने प्यार को सप्रेस कर रही है, बता नहीं सकती। एक होता है नॉर्मल हार्ट ब्रेक, जो नॉर्मल लोग जिस सिचुएशन से गुजरते हैं उनके साथ भी ऐसा होता है, मेरे साथ भी रियल लाइफ में हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि जो प्यार है वो बयां तो कर दिया, अब उसे छुपा के अपने तक रखना सीमित रखना दैट इज़ नॉट पॉसिबल, और उसकी वजह से ऑब्वियसली वो कुछ वो किसी से शेयर नहीं कर सकते अपनी फीलिंग्स, तो अपने में ही वो रोते हैं। और तो मोनामी बता सकते हैं क्या कि किस किसकी वजह से ये रोना पड़ रहा है उसके बारे में? ऑब्वियसली करण की वजह से, आई मीन करण की वजह से नहीं बट करण के लिए मोनामी रो रही है, उसका दिल रो रहा है। फाइनली आप अपने फैंस से क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखते रहिए जिद्दी दिल मारिना सोमवार से शनिवार रात 8 बजे आ जानने के लिए कि आगे स्टोरी में क्या होने वाला है।